हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम बना रहे हैं यूपी और बिहार की फेमस और पारंपरिक चने दाल पूड़ी। इसके लिए सबसे पहले मैंने चने दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर उसके गर्म पानी में हल्दी, नमक और चना दाल डाल के बॉयल कर लिया। बॉयल तब तक करना है जब तक उसको एक चना दाल निकाल के टच करके देखेंगे, जैसे वो पक जा रहा है ना छूने से, तो वो तब तक बॉयल करेंगे। और फिर इसको आप इसको कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं, मैंने कुकर में बॉयल नहीं किया है। और फिर इसको पानी निकाल के अलग कर लेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाने देंगे, नहीं तो थोड़ा सा गीला में पीसेंगे ना तो मिक्सर बहुत गीला गीला होता है। और इसके लिए ये चना दाल को गीला नहीं होना चाहिए, पूरा भरभरा होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने मिक्सर में पीस लिया है। आप इसको सिलगट्टे पे वैसे तो पीसते थे पारंपरिक रूप से, लेकिन आजकल कौन। तो फिर उसमें मैंने जीरा डाला है, भुना हुआ जीरा। बस बॉईल करते समय नमक और हल्दी डाल देना है, और जब इसको पीस रहे हैं तब भुना हुआ जीरा डाल देंगे और उससे पीस देंगे। बस मिक्सर बन गया। उसके बाद पूड़ी में आटा बनाने के लिए जैसे नॉर्मल सारी पूड़ियों में डाल के बेलते हैं वैसे बेल लेंगे। और इसको आप ये तवे पे ऐसे पराठा भी सेक सकते हैं, लेकिन ये पूड़ियाँ हैं तो मैंने इसको ज़्यादा गर्म तेल में नहीं, नॉर्मल तेल में बॉईल करके सेक लिया है। सो गाइस, आई होप एक बार आप इस तरह बना के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।